बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर 13 लेक्चर ऑफ ग्रेड 3 इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट ओवर फ्रॉम जनरल इंग्लिश, ओपन पेज नंबर 46। ओके स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग ओवर लेक्चर वी डिस्कस सम थिंग्स फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। In page number 44, we had discussed that use of a or an, okay? जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ये चीज़ समझाई थी कि जो आ और एन होता है, आ और एन, इन दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है? सिंगुलर एक ऑब्जेक्ट के लिए या एक पर्सन के लिए आ और एन यूज़ होते हैं, लेकिन इस इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर तो इनके बाद आने वाला जो वर्ड है उसका बिगिनिंग साउंड वॉवल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन, और अगर वॉवल नहीं है तो आ। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ डैश बुक। अब देखें, जो बुक का बिगिनिंग साउंड है वो वॉवल नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, आ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, दिस इज़ डैश एप्पल। एप्पल का बिगनिंग साउंड जो है वो वॉवल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। दूसरा हमने पढ़ा था दिस और दैट, सर्कल द करेक्ट वर्ड, दिस और दैट, दोनों का सेम मीनिंग, लेकिन दिस जो है वो करीब की चीज़ के लिए होता है, दैट जो होता है वो दूर की चीज़ के लिए, जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। ये जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, आज हम जो हमारा टॉपिक है ये उसी से रिलेटेड है। तो पेज नंबर 46 पे हमारा आज जो टॉपिक है वो है सर्कल, इज़ और आर, ठीक है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इस पे जो आपने डेट राइट करनी है वो है July 6, 2020 एंड द डे मंडे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले पढ़ा था, दिस इज़ और आ और एन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीडिंग करेंगे सेंटेंस की। दिस इज़ आर आ स्पून, ठीक है। अब आपने यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर्कल इज़ और आर, यानी कि सेंटेंस में इज़ यूज़ होगा या आर यूज़ होगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो दिस और इज़ हैं दोनों एक साथ आते हैं हमेशा, और दोनों जो हैं वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक पर्सन के लिए। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आप पिक्चर देखें, यहाँ पे वन स्पून बना हुआ है, सिंगुलर है ये, ठीक है, एक स्पून है। तो यहाँ पर हम किसको सर्कल करेंगे, इज़ को, ठीक है। हमेशा कोई भी चीज़ अगर एक हो, सिंगुलर हो, तो उसके लिए हम किसको करेंगे, इज को। नेक्स्ट देखें, द इस ए दीज इज आर शूज, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर है, यहाँ पे कितने शूज़ हैं, एक से ज़्यादा हैं, यानी ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। एक चीज़ के लिए तो हमने इज यूज़ किया है, अब ज़्यादा चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर, ठीक है। दीज आर शूज़। नेक्स्ट, दिस इज़ आर आ विंडो, ठीक है। अब यहाँ से भी देखें, आपको पता चल रहा है आर का मतलब होता है एक, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे एक विंडो है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पिक्चर को छुपा लें और जस्ट सेंटेंस रीड करें, तो आपको आ से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक विंडो है, यानी सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है, दीज इज आर कप्स। अब देखें इसमें कितने कप्स हैं, टू हैं, वन से ज़्यादा हैं, मोर देन वन है, तो हमने क्या यूज़ करना है, आर, सर्कल द आर, ठीक है। इसी तरह आपने इस पेज को करना है, ये आपका बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इस पेज पे आपने इस पेज को फुल करना है, कंप्लीट करना है, ये आपकी मंडे का वर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 47। 47 पेज पे देखिए बेटा, आपका जो टॉपिक है वो है सिंगुलर प्लूरल।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेट July 8, 2020 वेनसडे। ये आपने वेनसडे का वर्क जो है वो पेज नंबर 47 है आपका। तो आपने इसको कैसे करना है, सिंगुलर प्लूरल। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये वर्ड यूज़ किया है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर होता है एक चीज़, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर। और प्लूरल, एक से ज़्यादा चीज़ों को हम प्लूरल कहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है सर्कल द करेक्ट वर्ड। अब ये चीज़ देखें, गौर करें कि सेंटेंस को अगर हम रीड करें, दिस इज आ, यहाँ पे लिखा हुआ है ब ए इल इल बॉल, आगे है ब ए इल इल इस बॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो वर्ड, टू वर्ड्स दिए गए हैं, बॉल और बॉल्स। आपको थोड़ा तो इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो बॉल है वो एक बॉल को कहते हैं और बॉल्स जो होता है उसका मतलब है ज़्यादा बॉल्स, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो बॉल है ये सिंगुलर है, बॉल्स जो है ये प्लूरल है, यानी ये एक से ज़्यादा हैं तो बॉल्स प्लूरल हो गई। तो अब आप पिक्चर को देखें और वर्ड देखें कौन सा सर्कल होगा। दिस इज़ आ बॉल, आ यूज़ हो गया, इसका मतलब है पिक्चर को भी देखें। अगर पिक्चर को ना देखें तो आपको आ से अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक बॉल है, तो हमने बॉल को सर्कल करना है, बॉल्स को सर्कल नहीं करना। जब किसी भी चीज़ के नेम के आगे लग जाए, साउंड लग जाए, इसका मतलब है कि वो प्लूरल हो गया, यानी वो चीज़ें ज़्यादा हैं एक से। नेक्स्ट देखें, दीज आर फ्लावर, फ्लावर्स, ठीक है। अब देखें मोर देन टू वन फ्लावर्स हैं तो हमने क्या करना है, फ्लावर्स को सर्कल करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आर पेंसिल्स, पेंसिल, गुड, वेल डन, पेंसिल्स, ओके। मोर देन वन पेंसिल्स हैं तो हमने पेंसिल्स को सर्कल किया। नेक्स्ट है दिस इज अ टेबल, टेबल्स, गुड। टेबल जो है वो सिंगुलर है, यानी यहाँ पे वन टेबल है तो हमने जस्ट टेबल को सर्कल किया। नेक्स्ट है दीज आर ऑरेंज, ऑरेंजेस। देखें बेटा, आर यूज़ हुआ है, यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लूरल हैं, जो भी चीज़ है वो प्लूरल है। और पिक्चर देख के भी आपको पता चला है कि मोर देन वन ऑरेंजेस हैं तो हमने ऑरेंजेस को सर्कल करना है इस वर्ड को, ठीक है, जहाँ पे यूज़ हुआ है एंड में उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट है दिस इज़ आ बुक्स, बुक, गुड, ये वन बुक है, सिंगुलर है तो हमने बुक को सर्कल किया। ओके स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 46 और 47 जो था ये आपका जनरल इंग्लिश का वर्क था। अब हम जो है वो अपनी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का रीडिंग करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ओपन पेज नंबर 30। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस ऑन दिस पेज वी विल राइट द डेट July 3, 2020 एंड द डे ट्यूसडे। ओके, July 3, 2020 एंड द डे ट्यूसडे। सॉरी बेटा, ये आपका वर्क है July 7, 2020 और डे ट्यूसडे का, ठीक है। तो ये आप आज हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 30 पे वो है रीडिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं, हमने उनसे जो है अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, उनसे जो वर्ड बने हैं वो हमने आज रीड करने हैं। तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनके हमने नेम आज पढ़ेंगे कि उनके नेम क्या हैं। जैसे हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं साउंड्स के साथ, एब, ख, लेकिन यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स वैसे आएंगे जिनके नेम यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है उसमें ऐसे वर्ड दिए गए हैं ए और ए, जिनके मिडिल साउंड ए होगा और एंडिंग साउंड ए होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे जो ए यूज़ हो रहा है उसका नेम आएगा, साउंड नहीं आएगा। नेम उसका क्या है, ए, ठीक है, ए साउंड है और उसका नेम ए है। तो यहाँ पे जितने वर्ड हैं उनका जो उनमें जो ए यूज़ हो रहा है उसको हम ए बोलेंगे नेम के साथ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट वर्ड इज़ ग ए ठ ए गेट, ठीक है, ग ए ठ ए गेट।
ह ए ग ए फेज, उफ ए स ए फेस। यहाँ पे जो है हमने ख इसका साउंड है, ख ख जो है वो साउंड है, उसका नेम क्या है सी, वो यहाँ पे यूज हो रहा है नेम सी। उफ ए सी ई फेस, प्लेट प्लेट, नेम केक, ओके गेट पेज फेस प्लेट नेम केक। नेक्स्ट वर्ड देखें ई और ए, मिडल साउंड उनका ई होगा और एंडिंग साउंड ए। तो यहाँ पे जो ई है वो साउंड है, लेकिन यहाँ पे ई जो है वो नेम के साथ यूज़ हो रहा है और ई का नेम होता है आई, ठीक है। ई साउंड है और उसका नेम आई है। ल ई इन ए लाइन, ठीक है। लाइन जो होती है वो जैसे हम ड्रॉ करते हैं मार्जिन लाइन या हमारी नोटबुक्स पे जो लाइंस लगी हुई हैं, ल आई इन ए लाइन। उफ आई उफ ए फाइव, ठीक है। यहाँ पे जो साउंड यूज हुआ है, सॉरी ई जो साउंड है उसका क्या यूज हुआ है नेम आई। नाइन फायर, नाइफ। बेटा यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो जब स्पेल करते हैं वो उसको कनाइफ रीड कर लेते हैं ऐसे, क न आई उफ ए कनाइफ। तो यहाँ पे ये बात याद रखें जो नाइफ में क है वो साइलेंट है, यानी बोलने में जो है वो क यूज़ नहीं होगा लेकिन लिखने में होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नाइफ। वाइट टाइम, लाइन फाइव नाइन फायर नाइफ वाइट टाइम। नेक्स्ट देखें हमारा है ओ ए वर्ड, ठीक है। इसमें जो है वो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो ज का साउंड दे रहा है, ठीक है। इन ओ ए नोज, र ओ ए रोज, ओके ब ओ इन ए बोन, ह ओ इन ए होल, इस ट ओ इन ए स्टोन। नोज रोज बोन होल स्टोन, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 30। अब हम आएंगे पेज नंबर 31। इस पे जो डेट है वो है July 9, 2020 एंड द डे थर्सडे। ये हमारा थर्सडे वर्क है और इसमें जो टॉपिक है वो है नंबर्स। नंबर्स बेटा जैसे हम मैथ में काउंटिंग पढ़ते हैं 1, 2, 3, 100 तक, जैसे भी जो भी काउंटिंग है ये हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे फर्स्ट देखें, पिक्चर जो है वो क्या बनी हुई है बुक, वन बुक, ओ इन ए वन ब उ का बुक, वन बुक। टू ट्रीज, टू ट्रीज। थ्री बॉयज, थ्री बॉयज। फोर गर्ल्स, फोर गर्ल्स। फाइव हैंड्स, फाइव हैंड्स। सिक्स बास्केट्स, सिक्स बास्केट्स। सेवन बॉल्स, सेवन बॉल्स। एट कप्स, एट कप्स। नाइन टैप्स, नाइन टैप्स। टेन पेंस, टेन पेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी दी हुई है काउंट, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, हमने उनको काउंट करना है और इसी तरह हमने उनको नेम देने हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल टोमेटोज बने हैं, हम इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेवन टोमेटोज, 1, 2, 3, 4। फोर फ्लावर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिक्स ग्लासेस, 1, 2, 3, 4, 5। फाइव पेंस, ओके। वी हैव डन अवर पेजेस, पेज नंबर 30 एंड 31। ओके स्टूडेंट, लुक एट योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, नोटबुक पे जो आपका वर्क है July 6, 2020 मंडे का, वो टॉपिक यूज ऑफ इज और आर, आपने जो बुक पे करना है काम इज और आर का, वही आपने 1 to 5 जो सेंटेंसेज हैं वो नोटबुक पे राइट करने हैं और उसमें इज और आर को सर्कल करना है। नेक्स्ट आपका वर्क है July 8 वेनसडे का, इसमें जो है वो टॉपिक सिंगुलर प्लूरल। इसी तरह हमने जो बुक पे सेंटेंसेज जो हैं वो इधर राइट करने हैं और सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स को जो है वो सर्कल करना है।
नेक्स्ट आपका वर्ड है जुलाई 10, ठीक है। फ्राइडे का आपका ये वर्क है, आपने इसमें जो है वो फ्रूट्स नेम राइट करने, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्रूट्स नेम पढ़े वो आपने 2 टाइम अगेन राइट करने हैं। ओके, नाउ लुक एट योर डायरी। ओके स्टूडेंट्स, जुलाई 6 मंडे की आपकी डायरी है, पेज 46, जनरल इंग्लिश प्लस होमवर्क ऑन नोटबुक। पेज 46 पे इज और आर वाले जो सेंटेंसेज हैं वो आपने नोटबुक पे भी राइट करने हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे पेज 30 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ठीक है, रीडिंग है आपकी पेज नंबर 30 की। वेनसडे पेज 46 जनरल इंग्लिश सिंगुलर और प्लूरल कॉन्सेप्ट के साथ, होमवर्क ऑन नोटबुक भी है यही। थर्सडे जो है पेज 31 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश रीडिंग। फ्राइडे फ्रूट्स नेम ऑन नोटबुक। सैटरडे आपकी जो है वो जो आपने होल वीक वर्क किया है उसको आपने रिवाइज करना है और लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड।